का चुनाव दशकों बाद अनोखा हो सकता है। ये इस मायने में है कि लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा में हर पल बदलता घटनाक्रम अगले 6 महीनों के लिए काम चलाऊ सरकार बनाए जाने का संकेत दे रहा है। सरकार और निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा सहित कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इसी साल पूरा होना है। ऐसे में बीजेपी या इसकी अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन सहित राज्यों में कुछ महीने पहले ही चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि पिछले कुछ लोकसभा चुनावों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होते रहे। इस बार इन चारों के अलावा कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। लिहाजा इस बार परिदृश्य कुछ अलग है। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति की बुनियाद का पत्थर रखा जा सकता है। इसकी पटकथा कई स्तर पर कई चरणों में लिखी जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार 2029 में लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा सकती है। उसी रोशनी में ये मान्यता मजबूत होती है कि इन 4 से ज्यादा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक ही बार में हो जाएं। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक फिलहाल नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी इसी साल सितंबर से पहले होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और आयोग को इसकी डेडलाइन यानी समय सीमा 31 सितम्बर दे रखी है। लद्दाख विहीन नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाल ही में संपन्न हुआ परिसीमन प्रक्रिया के बाद 114 सदस्य विधानसभा की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। बाकी 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो भारत के उस अभिन्न हिस्से के भारत में है वापस आने की प्रतीक्षा खाली है। फिलहाल इस वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।